अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। फ्राइड केक की रेसिपी है, बहुत ही स्पंची किस्म के बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए फिर आ जाए, स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें ईस्ट ऐड कर दी है, 1 अंडा ऐड किया है रूम टेम्परेचर पर, डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं ऐड करना, 1 चम्मच चीनी ऐड की है, 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है, इसके अलावा थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही के। अगर आप दूध ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप दही को जो है वो स्किप कर दें, अगर दही ऐड कर रहे हैं तो फिर आप दूध जो है वो कम क्वांटिटी में डालें या फिर ना ही डालें। तो देखें अभी मैंने पानी बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं किया। अगर आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए नॉर्मल मैंने आटा गूंद के, अब मैंने 2 चम्मच फुल भर के बटर यूज़ किए हैं और इसको आटे में रख के अच्छे से इसको मसल रही हूँ। देखें आप देख सकते हैं जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे तो हमारे जो केक हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और आटा जितना सॉफ्ट होगा उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने ये स्टेप करते रहना है और देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। 10 मिनट के लिए रख देंगे और अब देखिए 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब इसके जो है आप पीसीस कर लें, अपने हिसाब से कर लें जितनी आपको ज़रूरत हो, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो देखें अब मैंने छोटे छोटे जो है इसके बॉल बना लिए हैं इस तरीके से, और एक बटर पेपर मैंने लिया है, इसको क्यूब शेप में मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से देखें इसके ऊपर आटा रख के हल्के से इसको प्रेस किया है। अब आप इस पर कुछ भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो शेप देने के लिए। तो हल्का सा जो है मैंने एक कप ले लिया है छोटा साइज़ का जो मेरे पास था, इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया है और इस तरीके से देखें इसके चारों तरफ से मैंने एक जैसे कट लगाने हैं और फिर अगेन इनमें से कट लगाने हैं। आप जितने चाहें इसमें कट लगा सकते हैं, इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन चुका है। आप इनके जो है कॉर्नर आपस में मिला देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर टाइप का बन जाएगा। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं या कोई भी और शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप सब बना रही थी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो आपने लाइक कमेंट ज़रूर करना है। तो अगेन सेम प्रोसेस, ताकि आपको अच्छे से और आसानी के साथ समझ आ जाए। तो बहुत ही खूबसूरत ये केक बनते हैं और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया है, आई होप आपके बच्चों को भी ये अच्छा लगेगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो इस तरीके से देखें मैंने सब पीसीज रेडी कर लिए थे, अब बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको बनाना है। आप देख लें बिल्कुल भी तेल गर्म नहीं है, तो इस पॉइंट पे आपने ऐड करने हैं। तो इस तरीके से देखें मैं 1 बाय 1 करके ऐड कर रही हूँ। बटर पेपर इसलिए यूज़ किया है ताकि आसानी के लिए ये हाथों पे चिपके ना। तो इस तरीके से देखें मैंने डायरेक्ट इनकी साइड चेन नहीं की, इनको थोड़ा टाइम दिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो देख लें अब इसकी जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड भी चेंज करूँगी और इनके ऊपर जो है वो ऑयल भी मैं ऐड कर रही थी। एक साइड इनकी कवर हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चे इंजॉय करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है और सबसे बेस्ट, बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए इस तरीके से माशाल्लाह से हमारे जो हैं फ्राई केक तैयार हो चुके हैं। अब अगेन दोबारा से मैं स्टेप में दोबारा जितने भी थे वो मैं ऐड कर रही थी, एक साथ जो है वो हमने फ्राई नहीं करने, जितनी इसमें जगह हो उसी हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे ताकि चिपके भी ना और ख़राब भी ना हो। तो देखिए इस तरीके से माशाल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, आप यहाँ पे जो है मैं जैम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉकलेट यूज़ कर लें। उम्मीद करती हूँ छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो आपने लाइक कमेंट ज़रूर करना है, शेयर करना है, वीडियो पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। आप चाहें तो इस पर चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो, फ्रेश क्रीम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त से बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने ज़रूर बच्चों को बना के देना, मज़ेदार सी केक आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।